हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीसीएम इंस्टीट्यूट। आज हम कवर करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पार्ट 14। हमारे पिछले 13 पार्ट्स देखने के लिए आप यूट्यूब पे जीसीएम इंस्टीट्यूट का पेज विजिट कर सकते हैं। वहां पे आपको ये जो वीडियो सीरीज चली आ रही है फिजिकल ज्योग्राफी की, सारी वीडियोज मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 14। हमारा पहला क्वेश्चन है, एयर मास नियर टू द अर्थ सरफेस इज वार्मर बिकॉज। ऑप्शन है, इट रेडिएट्स हीट, कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स, इज वार्म्ड बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, या इज फार फ्रॉम द सन। तो इसका आंसर है थर्ड, इज वार्म्ड बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्टर। इसमें से किसको नॉर्थ ईस्टर कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, कोल्ड एंड फास्ट ब्लोइंग विंड्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दैट मूव फ्रॉम सब पोलर टू पोलर रीजन, कोल्ड एंड फास्ट ब्लोइंग विंड्स इन सदर्न पोल रीजन, कोल्ड एंड फास्ट ब्लोइंग विंड फ्रॉम द पोलर रीजन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, या विंड ब्लोइंग टुवर्ड्स कजाकिस्तान इन सेंट्रल एशिया। तो इसका आंसर है थर्ड, कोल्ड एंड फास्ट ब्लोइंग विंड्स फ्रॉम द पोलर रीजन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंसिटी ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इज हाईएस्ट इन द। ऑप्शंस हैं हमारे, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर या आयनोस्फेयर। तो इसका आंसर है फर्स्ट, ट्रोपोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एब्जॉर्ब्स पार्ट ऑफ द इंसुलेशन एंड प्रिजर्व्स अर्थ्स रेडिएटेड हीट। ऑप्शन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वाटर वेपर या कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आंसर है थर्ड, वाटर वेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइक्लोन्स आर कॉज्ड ड्यू टू। ऑप्शन है हमारे पास, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर या हाई डेंसिटी। तो इसका आंसर है लो प्रेशर। तो जो हमारे साइक्लोन्स हैं उनके होने का रीजन जो है वो लो प्रेशर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ टोर्नेडो। टोर्नेडो क्या है? इनमें से ऑप्शंस हैं हमारे पास, अ वेरी हाई प्रेशर सेंटर, अ वेरी लो प्रेशर सेंटर, अ वेरी हाई ओशियन वेव या अ प्लेनेटरी वेव। तो इसका आंसर है सेकंड, अ वेरी लो प्रेशर सेंटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैटरीना इज द नेम गिवन टू। कैटरीना किसका नाम है? ऑप्शंस में हमारे पास, सैटेलाइट, स्टार, हीट वेव या हरिकेन। तो इसका आंसर है फोर्थ, हरिकेन। इन विच रीजन डज रेनफॉल अकर थ्रू आउट द ईयर। कौन सा ऐसा रीजन है यहाँ जहाँ पे पूरा साल बारिश होती है? तो हमारे ऑप्शन में मेडिटेरेनियन, इक्वेटोरियल, ट्रॉपिकल या टेम्परेट। तो इसका आंसर है सेकेंड, इक्वेटोरियल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर इज टर्म्ड एज। एयर की वर्टिकल मूवमेंट को क्या कहा जाता है? विंड, एयर करंट, एयर टर्बुलेंस या एयर मोबिलिटी। तो इसका आंसर है सेकेंड, एयर करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एटमोस्फेरिक लेयर क्लोजेस्ट टू द अर्थ इज। ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट किया है एसएससी ने फिजिकल ज्योग्राफी का, तो ये इसे आप मार्क कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर है ट्रोपोस्फेयर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रंटल रेन इज कॉज्ड बाय। ऑप्शन है हमारे पास, कन्वेक्शन करंट, विंड्स फ्रॉम सी, साइक्लोनिक एक्टिविटी या कंडेंसेशन ऑफ वाटर इवेपोरेटेड फ्रॉम माउंटेन्स। तो इसका आंसर है थर्ड, साइक्लोनिक एक्टिविटी। साइक्लोनिक एक्टिविटी की वजह से फ्रंटल रेन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्मॉग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ। स्मॉग जो है वो किन चीजों का कॉम्बिनेशन है? ऑप्शंस में है हमारे पास, एयर एंड वाटर वेपर, वाटर एंड स्मोक, फायर एंड वाटर या स्मोक एंड फॉग। तो इसका आंसर है स्मोक एंड फॉग। इसके आप इनिशियल्स याद रख सकते हैं, एस एम ओ एंड जी। विच वन ऑफ द फोर रीजन्स अबव द अर्थ हैज स्मॉलेस्ट हाइट? ऑप्शन है हमारे पास, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर या ट्रोपोस्फेयर। फिर से रिपीट हुआ है, इसका आंसर है फोर्थ, ट्रोपोस्फेयर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफून्स आर कॉमन इन द। टाइफून्स कहाँ पे कॉमन है? सबसे ज्यादा टाइफून्स कहाँ आते हैं? तो ऑप्शन है हमारे पास, आर्कटिक ओशियन, सीज ऑफ चाइना एंड जापान, मैक्सिकन गल्फ या इंडियन ओशियन। तो इसका आंसर है सीज ऑफ चाइना एंड जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंड रोज रिप्रेजेंट्स। ऑप्शन है हमारे पास, विंड टर्बुलेंस, विंड डेटा, विंड प्रेशर या विंड प्रेशर। तो इसका आंसर है विंड टर्बुलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, the layer of the atmosphere in which radio waves are reflected back is called। atmosphere की वो layer जहाँ से radio waves जो हैं वो reflect back होके earth पे आती हैं, वो कौन सी layer है? options हैं हमारे पास, ionosphere, troposphere, stratosphere या exosphere। तो इसका answer है one, ionosphere, यहाँ पे ions present रहते हैं। next question है, the atmospheric layer farthest from the earth's surface is known as। options हैं stratosphere, exosphere, ionosphere, mesosphere। तो इसका आंसर है एक्सोस्फेयर। तो हमारे ये दो क्वेश्चंस की जो क्लोजेस्ट है अर्थ से उसका ट्रोपोस्फेयर नाम है, और जो अर्थ से फार्थेस्ट है उसका नाम एक्सोस्फेयर। तो इसे नोट डाउन जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द क्लाइमेटिक जोन्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ।
जो क्लाइमेटिक जोन्स रहते हैं किसी भी एरिया के, वो किसके बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है हमको? तो ऑप्शन है हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, एलिवेशन, रेनफॉल या डिस्टेंस फ्रॉम द सी। तो हमारा आंसर है 3, रेनफॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, द मेन एडवांटेज ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज। वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मेन एडवांटेज क्या है? तो इसका ऑप्शन है आपके पास रिचार्ज ग्राउंड वाटर, अवॉइड फ्लड्स, रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर या अवॉइड सॉइल इरोजन। तो इसका आंसर है रिचार्ज ग्राउंड वाटर। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सबसे मेन एडवांटेज है कि वो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स आर अदरवाइज कॉल्ड। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स जो है उन्हें और क्या कहा जाता है? फ्यूरियस 50s, क्रीचिंग 60s, हॉर्स लैटिट्यूड्स या रोरिंग 40s। तो इसका आंसर है हॉर्स लैटिट्यूड्स। तो गाइज, अगर आपको हमारी वीडियोस, हमारा एफर्ट अच्छा लग रहा हो तो यूट्यूब पे JCM इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए, हमारा पेज आएगा, उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और हमारी और भी वीडियो सीरीज चली आ रही है, एंशियंट हिस्ट्री, स्टैटिक, GK, पॉलिटी, बेसिक कैलकुलेशन। तो आप विजिट करके JCM इंस्टीट्यूट का पेज सारी वीडियोज देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।